ठीक है। अच्छा मैं यहाँ के फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर अंजुमन फिलहाल बहबूदे इंसानियत में आया हूँ, और यहाँ पे मेरी वालदा के साथ डायलिसिस हो रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्री डायलिसिस करवा के जाते हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह के डायलिसिस इनके होते हैं, और इनका अंजुमन फिलहाल बहबूदे इंसानियत और उनका स्टाफ किस तरह का है, या किस तरह का उनका बिहेवियर है। तो चलिए हम मोहम्मद अफजल साहब से बात करते हैं, और उनसे पूछते हैं कि वो उनके साथ क्या कर गया, किस तरह वालेकुम क्या रहा, ठीक है आप। अच्छा आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे डायलिसिस करवा चार के? 4 महीने हो गए। 4 महीने से आपको किस तरह का फील हुआ कि यहाँ कोई अच्छा डायलिसिस नहीं करते? अच्छा माशाल्लाह। तो आप मतलब कोई कोई लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे डायलिसिस करवाने आए? बात ये है कि मैं ये कहूंगा कि जिसको तकलीफ हो वो तो आए ना, जिसको नहीं तकलीफ हो इस अदारे के साथ तावन भी करो, क्योंकि ये सारा तावन से हिसाब लोगों का इंतजाम हो रहा है। तो बाकी यहाँ पे कोई खास तौर पे मरीज का खर्चा नहीं है, थोड़ा बहुत तो जो 100-200 हजार ये नाबू बात है, बाकी सब ये इलाज सुन सकते हैं। और जो लड़के हैं माशाल्लाह इनका काम भी अच्छा है, वो समझदार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अख्तर साहब। इन्होंने कहा कि यहाँ के स्टाफ मेंबर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और इनका तावन भी माथा बहुत बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों से दिल से गुजारिश करना चाहूंगा कि जहाँ अंजुमन फिलहाल बहबूदे इंसानियत डोनेशन करें, और जितनी आपसे मदद हो सकती है उतनी आप मदद करें, ताकि ये सिलसिला आगे तक चलता रहे। तो मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा कि ये पूरा डायलिसिस सेंटर तक दिखाएं, तो फिर हम आगे